बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास, मिस अमरीन हेयर योर लैंग्वेज टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ है क्या। ओके, वी आर गोइंग टू इट्स डेफिनेशन। इट टेल्स अस डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है हमारी डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर मैंने आपको फोर पॉइंट्स मेंशन किए हैं, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप डिटेल में पढ़ें, हायर लेवल पे पढ़ें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके अलावा भी बहुत कुछ बताता है, लेकिन आपके लेवल के लिहाज से हम इन फोर पॉइंट्स को पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज़ डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होती है? मेरी डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की डेली रूटीन, हर इंसान की कोई ना कोई डेली रूटीन ज़रूर होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि सुबह सोकर उठना, वज़ू करना, फजर की नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, नाश्ता करना, स्कूल आना, स्कूल में फिर आप लोग पढ़ते हो, फिर उसके बाद स्कूल से वापस जाना, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना, रेस्ट करना, फिर अगेन होमवर्क करना, फिर बाकी नमाज़ें जो आप परफॉर्म करते हो, रात को आप सोते हो, यानी सुबह जागने से रात सोने तक की जो भी आपकी डेली रूटीन, जो डेली बेसिस पर आपके जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो आपकी होती है डेली रूटीन। ये डेली रूटीन सिर्फ आपकी नहीं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले किसी भी इंसान की डेली रूटीन हो सकती है। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब भी आप अपनी या किसी भी इंसान की डेली रूटीन बताएंगे, तो उस सेंटेंस को हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना है। सेकेंड पॉइंट इज़ हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस आपकी आदत, आपकी आदतें। आदतें क्या होती हैं? जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ठीक है, वो झूठ बोलता है, वो गीबत नहीं करता है, इस टाइप की जो जितने भी एक्शंस होते हैं, ये आपकी कहलाती हैं हैबिचुअल एक्शंस, यानी आपकी आदतें। आप में जो आदतें पाई जाती हैं, या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में जो आदतें पाई जाती हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे, तो वो आपने बताना है प्रेजेंट इनडेफिनेट में ट्रांसलेट करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस में थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि डेली रूटीन में और रिपीटेड एक्शंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करती चलूँ, ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ जून एंड जुलाई, ठीक है। अच्छा, बिलफर्ज अगर मैं ये कहती हूँ कि जून जुलाई में कराची में मानसून का सीज़न आता है, और मानसून की बारिशें जो होती हैं वो जून जुलाई में होती हैं, ठीक है। ओके, जून जुलाई में मानसून की बारिश हुई, उसके बाद मानसून सीज़न ख़त्म हुआ, आगे के मंथ्स आए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद दोबारा जब जून और जुलाई आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर हम दोबारा जब इन टू मंथ्स में आएंगे, तो दोबारा होगी मानसून की बारिश। तो मानसून की बारिश एक साल में एक दफ़ा एक्शन रिपीट हुआ, फिर पूरा टाइम पीरियड कम्प्लीट हुआ, और उसके बाद दोबारा जब इसी पॉइंट पर हम आए जून जुलाई के, तो यहाँ पर सेम एक्शन परफॉर्म हुआ और सेम टाइम पर परफॉर्म हुआ, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शंस वो होते हैं कि एक पॉइंट पर किसी एक्शन का परफॉर्म होना, और उसके बाद टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोबारा उसी जगह पर आकर दोबारा सेम एक्शन का सेम पॉइंट पर रिपीट होना, ये कहलाता है रिपीटेड एक्शन। तो इस तरह के आपके जो भी एक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं रिपीटेड एक्शंस, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आपका होता है आलमगीर हकीकत, यानी कि ऐसी हकीकत, ऐसी सच्चाई कि जिसमें हम इंसानों का कोई अमल दखल नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम कायम कर दिया गया है, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब सूरज को बनाया, सूरज को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मशरिक से निकलना है और मग़रिब में ही ग़ुरूब होना है, आज तक कोई भी ताकत इस चीज़ को बदल नहीं सकी, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सके। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता।
इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मौत अटल है, यानी मौत आकर रहेगी, हमारी ज़िंदगी क्या है, आरजी है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो यकीनन आपको यहाँ पर 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डेली रूटीन भी, हैबिचुअल एक्शंस भी, रिपीटेड एक्शंस भी एंड यूनिवर्सल ट्रूथ भी। तो जहाँ पर डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेज आएंगे, वहाँ पर आपने हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करना है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। Here are some helping verbs of present indefinite. Helping verbs are do, does. यहाँ पर दो helping verbs use होते हैं, do और does. ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि कहाँ पर do use होगा और कहाँ पर does use होगा. Form of verb इसमें से first form use होती है. उर्दू साइन इसके होते हैं ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो. ये इसके उर्दू साइन होते हैं. Now, where do we use does? हम does कहाँ use करते हैं? With सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, यानी कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ हमें हमेशा डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. नाउ वेयर डू वी यूज डू? वी यूज विद आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम, यानी आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम के साथ हम हमेशा डू यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब. एक चीज के सिंगुलर नेम का मकसद ये है कि सिंगुलर नेम कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, जैसे अली या सारा, ठीक है, ये सिंगुलर नेम हो गए. अच्छा, प्लूरल नेम का मकसद है कोई दो नाम या दो से ज़्यादा नाम. जैसे मैं कहूँ अली और अहमद, अली और अहमद दो नाम है, ठीक है. अब अगर मैं इसमें एक और नाम ऐड कर दूंगी तो ये भी प्लूरल नेम में जाएगा, यानी दो या दो से ज़्यादा नेम जो हो जाएंगे वो आपके प्लूरल नेम कहलाएंगे. तो इनके साथ हमें यूज़ करना है डू. अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है तो आप सिंपल कह दें इट टेल्स अस डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, उर्दू साइन और वेयर डू वी यूज डज एंड वेयर डू वी यूज डू, ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. इतना आपको इसमें एक्सपर्ट होना है. नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मूला की तरफ. फार्मूला में मैंने आपको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस लिखवाए हैं. पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. यानी अगर आपको कोई पॉजिटिव कहेगा तो भी सिंपल सेंटेंस की बात हो रही होगी, अगर कोई अफर्मेटिव कहेगा तो भी हम पॉजिटिव की बात कर रहे होंगे, और अगर कोई असर्टिव कहेगा तो भी हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि मैंने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाई और ब्रैकेट में SES लगाया. यहाँ पर मैंने डू, डज का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं किया. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि हम सब्जेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन वर्ड लगाते हैं, ठीक है. और उसके साथ अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम SES का यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद हम इसका फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. डू, डज एज अ हेल्पिंग वर्ब कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता. इस चीज को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि डू, डज कभी भी एज अ हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा. अगर आपको यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में कभी डू, डज नज़र आएगा तो वो एज एन एक्शन वर्ड नज़र आएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नज़र नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ वो अपना काम करती है, ठीक है, वो अपना काम करती है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ यूज़ करूँगी शी डज, शी डज हर वर्क, ठीक है. अब यहाँ पर जो डज आया शी के बाद, ये डज है आपका एज अ एक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है. ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज नहीं आया बल्कि एक्शन वर्ड के तौर पे यूज़ आया, काम करने के लिए यूज़ आया, ठीक है. तो इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी डू, डज आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता बल्कि एज एन एक्शन वर्ड आता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड आपके पास फॉर्मूला है नेगेटिव. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट. ये वर्ड जो नॉट होता है यही आपको नेगेटिव का सेंस देता है, ठीक है. अब यहाँ पर जो डू, डज आ रहे हैं ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, एज एन एक्शन वर्ड यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है. आप इसमें फॉर्मूले में भी जज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू, डज है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है. इट मीन्स कि एक्शन वर्ड यहाँ पे यूज़ होना है. तो डू, डज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट आगे चलें तो इंटरोगेटिव.
टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक नेगेटिव सॉरी एक होता है इंटरोगेटिव और एक होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव में है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं आ रहा, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये जो वर्ड नॉट है ये इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना देता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव के जब भी आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे तो स्टार्ट आपने हेल्पिंग वर्ब से लेना है, डू या डस से। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना है। अगर एग्जाम्स में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ओके, कम टूवर्ड्स नोट। फर्स्ट पॉइंट इज वी यूज एस ई एस ओनली विद फर्स्ट फॉर्म इन पॉजिटिव सेंटेंस। इस पॉइंट का मकसद ये है कि हम एस ई एस को सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, जो कि मैंने ऊपर फॉर्मूले में भी लिखा कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो एस ई एस का यूज़ हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, अगर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। सिंगुलर मतलब ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम अगर आ रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आई यू वी दे एनी प्लूरल नेम आएंगे तो हम उनके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है ट्रांसलेट करते हुए। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास दोज वर्ड्स विच एंड ऑन ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, वी यूज विद देम ई एस। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, अब हम कहाँ पर एस लगाएं कहाँ पर ई एस लगाएं। तो ई एस लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक निशानी के तौर पे दे दिया गया है कि वो वर्ड्स जो कि एंड होते हैं ओ पर, एक्स पर, सी एच पर, एस एच पर और डबल एस पर, ठीक है। इन वर्ड्स के एंड में हम हमेशा लगाते हैं ई एस का, ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि आपके पास वर्ड है गो, गो एंड हो रहा है ओ पर, ठीक है। ओ हमारी फर्स्ट कंडीशन, तो ओ के साथ अगर हमें इसके साथ एस ई एस का एडिशन करना होगा तो ये इसके साथ आएगा ई एस, जैसे कि मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हॉक्स, हॉक्स इसके साथ अगर हमें एस ई एस का यूज़ करना होगा तो ई एस हम लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी एच, जहाँ पर सी एच पर एंड हो रहा होगा वर्ड वहाँ पर उसके साथ हमें ई एस का यूज़ करना है, जैसे कि वर्ड है पंच, तो इसके साथ मैंने ई एस का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वर्ड है हमारे पास एस एच, एस एच मैंने यहाँ वर्ड लिखा पुश, जो कि एंड हो रहा है एस एच पे, तो इसके साथ हमें हमेशा ई एस का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वर्ड है डबल एस, डबल एस यानी प्रेस, प्रेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो डबल एस यूज़ हो रहा है, एंड हो रहा है डबल एस पे, तो मैंने इसके साथ ई एस का यूज़ किया। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिन जो आपको बता रही हैं कि जो वर्ड्स इन लेटर्स पे एंड होते हैं उनके साथ हमें हमेशा ई एस का यूज़ करना होता है, बाकियों के साथ हमें एस का यूज़ करना होता है अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही शी इट एनी सिंगुलर नेम है तो। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व करके दिखाना चाहूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, फिर आपको होमवर्क के तौर पे जो सेंटेंसेस दूंगी आप लोगों के लिए फिर मुश्किल नहीं होगी। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज वो अंग्रेज़ी बोलती है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आपको रिकग्नाइज़ करना होगा तो उसमें आपने सबसे पहले तो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को रिकग्नाइज़ किया, उसके बाद आपने उसका उर्दू साइन, बोल ती है, तो हमारे उर्दू साइन के मुताबिक ती है इसमें आ रहा है, तो इट मींस कि ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है। आप यहाँ पर ये देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। वो अंग्रेज़ी बोलती है, इट मींस कि किसी एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा शी, तो शी यूज़ करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके लिए पॉजिटिव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगेगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये यकीनन सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले स्पीक, शी स्पीक, ठीक है। अब सिंगुलर है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से मैं इसके साथ लगाऊंगी एस, शी स्पीक्स, देन मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगी इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है।
अब इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलती है, ठीक है। एक नहीं ने मुझे बताया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, उर्दू साइन ती है और सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है वो, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे देखिएगा आप। मैं ये इसको बनाऊँगी शी। अब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पर हमें डज का यूज़ करना है, ठीक है। वी यूज़ डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स मीन्स ही शी एट एनी सिंगुलर नेम। तो शी के साथ मैं डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी। शी डज नॉट, इसने इस नॉट ने इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, आप फॉर्मूले को अगर याद कर लेंगे या उसको देखते जाएंगे तो आपको फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या। ये वर्ड क्या हमें बताता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन लास्ट में आपके पास होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अलावा ती है ने उर्दू साइन बता दिया, और वो क्या वो अंग्रेजी बोलती है, ठीक है। तो इसका ही हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, और हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं किसी टेंस का तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो शी यूज़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ लिखूंगी डज शी स्पीक इंग्लिश, और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आपकी टाइप ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या, क्वेश्चन पता चल गया, वो बोलती है नहीं, ठीक है। इन सबको जब हमने रिकग्नाइज कर लिया क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, इट मीन्स नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश देन क्वेश्चन मार्क, बस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर शी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर जो हमने एस का यूज़ किया था ये, ठीक है, जब ये नेगेटिव में चला जाता है सेंटेंस, इंटरोगेटिव में चला जाता है और नेगेटिव इंटरोगेटिव में चला जाता है, तो यहाँ पर जब हमारे पास डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे होते हैं तो यहाँ पर एस ई एस का एडिशन ख़त्म हो जाता है। यानी एस ई एस सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं, जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कभी भी एस ई एस का यूज़ नहीं आता, वो एस ई एस कन्वर्ट हो जाते हैं डज में। हम डज को यूज़ करके एस ई एस का जो एडिशन होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके मुताबिक आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। अब आपके पास यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिहाज से एक सेंटेंस है, बच्चे किताब पढ़ते हैं। ते हैं ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और बच्चे यहाँ प्लूरल है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, चिल्ड्रन। अच्छा, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अगर आता है पॉजिटिव में तो हम उसके साथ एस ई एस का यूज़ कभी नहीं करते, यानी आई यू वी दे एनी प्लूरल नेम के साथ हम कभी भी एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे चिल्ड्रन रीड द बुक, यहाँ पर चिल्ड्रन रीड्स द बुक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। इसी का नेगेटिव अगर देखें, बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे चिल्ड्रन, और प्लूरल के साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो यूज़ करना है डू, चिल्ड्रन डू नॉट रीड द बुक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे डू चिल्ड्रन रीड द बुक एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज क्या बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब रिकग्नाइज हो जाएंगी तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, डू के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है चिल्ड्रन, और उसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे नॉट, डू चिल्ड्रन नॉट रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी फर्स्ट टाइप जो समझाई वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से समझाई, और सेकंड जो टाइप मैंने सेंटेंस की पढ़ाई आपको ये है प्लूरल सब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है। यकीनन यहाँ पर आपको जो कुछ समझाया गया है यकीनन आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ हेयर आर योर होमवर्क,
10 सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मैंने दिए हैं यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर आपने करना क्या है कि इसकी जो वोकैबलरी है वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा डिक्शनरी वगैरह फाइंड करके आप उसमें से फाइंड करके आप वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं. इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है. अब आपको वर्क पैटर्न इस तरीके से करना है कि अपने लैंग्वेज की कॉपी में बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेडिंग डाली है, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखी है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स की हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके प्रॉपर तरीके से मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये पूरा इंट्रोडक्शन एज इट इज़ आपने लैंग्वेज के रजिस्टर में करना है विथ एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स भी आपने करनी है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपने न्यू पेज पे होमवर्क लिख के ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिखने के बाद इन सेंटेंसेस की आपने ट्रांसलेशन करनी है. यहाँ पर नंबर 9 पर एक सेंटेंस था, हम 14 अगस्त धूमधाम से मनाते हैं. यहाँ पर मैंने आपको धूमधाम की जो एक वोकैबलरी है वो इसलिए लिख दी कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. सेलिब्रेट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, ये होता है कि धूमधाम से कोई तकरीब मनाना या कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करना, ठीक है. इसके अलावा आपको बाकी वर्ड्स डिक्शनरी में और नेट पे आप सर्च करके इसको कर सकते हैं. ये आपका आज का होमवर्क है. थैंक यू.